अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। हेलो फ्रेंड्स, आप लोग सब कैसे हैं? इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। सो आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, ऐसे काम और बात ना करिए जिससे बाद में परेशानी आ सकता है। सो आज हम बात करेंगे इंशाल्लाह जो सलाम मोबाइल है सऊदी अरब के अंदर उसका रिचार्ज के रिगार्डिंग, एंड साथ में आपको ये बताएंगे कि आपको जो सलाम सिम है वो लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, रिगार्डिंग कंपेयर करेंगे दूसरा सिम के मुताबिक। तीसरा नंबर पॉइंट है आज आप लोगों का जो कमेंट है उसका साथ में जवाब भी देंगे। जवाब के अंदर अच्छे कमेंट भी ज्यादा है और बुरे कमेंट भी है। सो इंशाल्लाह रिगार्डिंग इंशाल्लाह आज फुल वीडियो आज करेंगे। सो हो सके वीडियो थोड़ा लंबी चौड़ी बड़े हो तो इसलिए पहले ही माफी चाहता हूँ कि इंशाल्लाहुल्लाजीज आप वीडियो सही से देखिए और पता चल जाएगा आपको इंशाल्लाह हम क्या बोलते हैं। सो फर्स्ट जो नंबर है, हम सीधा चलते हैं मोबाइल का डिस्प्ले में। इंशाल्लाह मोबाइल हमने ले लिए हैं, अब स्लाइड में भी देख सकते हैं इंशाल्लाहुल्लाजीज। अब क्या करेंगे, अब हम मोबाइल में खोल लेते हैं, ठीक है? फिर पहले रिचार्ज करते हैं, उसके रिगार्डिंग दूसरा बात करेंगे। सो इंशाल्लाहुल्लाजीज चलते हैं मोबाइल का डिस्प्ले में। मोबाइल का डिस्प्ले में जाने के बाद आप चेक कर लेंगे सलाम ऐप, अगर आपके पास नहीं है इंशाल्लाह होगा तो ऐप स्टोर में और प्ले स्टोर में आपको मिल जाएगा ये वाला। सो ये उसको ओपन कर लेना पड़ेगा। ओपन करने के बाद ये रिचार्ज का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, देखिए रिचार्ज का यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये दो ऑप्शन दिखाई देगा, एक वाउचर एक क्रेडिट कार्ड। तो क्रेडिट कार्ड में क्लिक करिए, किसी के पास जाना नहीं पड़ेगा, हम आसानी के लिए बता रहे हैं। सो यहाँ पे मुख्तलिफ कुछ रिचार्ज बता रहे हैं जो कि है 20 रियाल का 17 रियाल देगा, 30 रियाल का 26 रियाल देगा, 50 रियाल का 43 रियाल देगा, 100 रियाल का 86 रियाल देगा। सो हमारा कितना है 74.5 यानी 74.5 रियाल। सो हमको ये हम मल्टीप्लाई करके देखे हैं पहले नहीं मिल रहा, सो 100 का रिचार्ज करना पड़ेगा। पहले मंथ ही खसारा, आप ये सोचिए। मैं हमने पहले ही बोल रहा था कि हम लोगों का वो दोस्त नहीं है, दुश्मन भी नहीं है, ठीक है ना दोस्तों? सो आप देखिए यहाँ पे जो 43 रियाल का है, अगर 50 से करते हैं तो नहीं होता है। सो कितना दिमाग लगा के ये रिचार्ज कराया, ठीक है ना? सो चलते हैं हम 100 रियाल का रिचार्ज करा के, यानी नेक्स्ट मंथ में आपको 100 रियाल का खसारा होगा। टोटल अमाउंट टू पे, सो पे नाउ में क्लिक करेंगे। आपका अगर वीसा कार्ड है, मास्टर कार्ड है, मदर कार्ड में, सो उनमें से भी होगा। एप्पल पे, मडा पे और क्रेडिट कार्ड, सो ये तीनों ऑप्शन दी गई है पेमेंट मेथड के अंदर। सो इंशाल्लाह आप कर सकते हैं। सो हम क्या करेंगे, हम दिखाते हैं। चलते हैं हम पहले एप्पल पे में और मदा पे में और क्रेडिट कार्ड में। सो करने के बाद क्लिक, ये देखिए दोस्तों हम एप्पल पे पहले क्लिक किए हैं। सो दिखा रहे दे रहे ऐड बिलिंग एड्रेस, ऐड शिपिंग और अपडेट बिलिंग एड्रेस नीचे। सो आपको क्या कर लेना है, जो ऐड बिलिंग एड्रेस जो पहले नंबर पे है, हम पूरा चेक करते हैं पहले ऐड शिपिंग में क्या है, ऐड बिलिंग्स एड्रेस में क्या है। सो एक एक करके हम पूरा चेक करेंगे। आपको आसानी के लिए हम बताते चले कि किस तरह आप बहुत आसान और इजी तरीका से अपना मोबाइल को जो सलाम मोबाइल है रिचार्ज कर सकते हैं। हम शिपिंग में करते हैं तो होम और वर्क बता रहा है, यहाँ पे नहीं होगा। सो ऐड बिलिंग एड्रेस में आपको जाना पड़ेगा, हम क्लिक कर लेते हैं, आप भी क्लिक कर लीजिए। अगर आपके पास एप्पल नहीं है तो हम वो भी तरीका बताते चले बताएंगे इंशाल्लाह। ये देखिए इस तरह कुछ दिखाई दे रहा है, एक तो हो गया ऐड पेमेंट मेथड, दूसरा हो गया ऐड बिलिंग एड्रेस। सो आप यहां से भी कर सकते हैं, लेकिन ऐड पेमेंट मेथड में हम क्लिक करके दिखाते हैं दोस्तों को इंशाल्लाह। सो इस तरह का आता है, सो कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू करने के बाद इंटर कार्ड डिटेल्स मैनुअली, यहां पे क्या होगा, कुछ नहीं होता। सो ये उधर से हम बैक जाते हैं और ऐड बिलिंग्स में करते हैं क्लिक। करने के बाद यहां पे आपको जो फॉर्म दी गई है आपको भर लेना है। ये बहुत मतलब पुराना वाला सिस्टम हो गया। सो हम यहां पे बैक चलते हैं। बैक जाने के बाद इंशाल्लाह ये देखिए हम क्या करेंगे, यहां से अभी कट कर लेंगे और दूसरा तरीका दिखाएंगे, यानी रिचार्ज करने का जितने तरीका होगा हम आज पूरा तरीका को इंशाल्लाह दिखाएंगे। सो हम दूसरा तरीका का रिचार्ज करने के लिए करते हैं ओके, यानी क्लिक। उसके बाद ये देखिए दोस्तों इस तरह कुछ इंटरफेस खोल के आता है। सो यहाँ पे भी कुछ भी ऑप्शन नहीं दी गई कि हम जल्दी से फटाक से करें और रिचार्ज हो जाए। हम वो वाला भी ऑप्शन दिखाएंगे जिस तरह हमने रिचार्ज किया है इंशाल्लाह। तो सब्र के साथ बने रहिए हमारे साथ, आप देख रहे हैं क्वालिटी फॉर रिजल्ट फिरोज के साथ इंशाल्लाहुल्लाजीज। सो ये वीडियो थोड़ा लेट में आया, इसका बहुत कुछ कारण था और हम बताते चले पहले रिचार्ज कर लेते हैं। ये ऑप्शन में नहीं आ रहा है, यानी एप्पल पे का ऑप्शन जो दी गई यहाँ पे काम नहीं हो रहा है। सो हम दूसरा कर लेते हैं, पे नाउ में क्लिक करते हैं। ये देखिए दोस्तों यहाँ पे मदा कार्ड, यहाँ पे हम करते हैं क्लिक। क्लिक करने के बाद प्रोसेसिंग में जा रहा है, यहाँ पे बता रहा है जो क्रेडिट कार्ड नंबर है वो डालिए, उसके बाद जो कार्ड होल्डर का नेम है यानी कार्ड के ऊपर जो आपका नाम है वो डालिए, उसके बाद एक्सपायरी डेट मंथ ईयर, उसके बाद मंथ ईयर है ओनली, उसके बाद सिक्योरिटी कोड यानी पिछवाड़े पे जो आपका नंबर होता है, सॉरी बोलने में गलती होता है। सो हम पहले आसान तरीके से यहाँ पे उसको लॉगिन कर लेते हैं, यानी क्लिक करके हम वहाँ पे कार्ड को दिखाते हैं। ये देखिए दोस्तों ये जल्दी होने के लिए टाइम नहीं है हमारे पास, अब अच्छा तरीका से रिचार्ज कर लीजिए, ठीक है ना दोस्तों? सो नहीं ले रहा है। सो क्या करेंगे, हम ट्राई कर लिए हैं, अब यहाँ को नंबर स्कैन और एक बार करते हैं ट्राई करके। ये देखिए दोस्तों नहीं आ रहा है। सो हम चेक करते हैं,
ये देखिए दोस्तों, अच्छा तरीके से रख के उसको आप इजी तरीका से चेक कर लीजिए। ये देखिए दोस्तों, अब हम इसको स्लाइड करते हैं ये कॉपी करने के लिए, लेकिन कॉपी का कोई ऑप्शन ही नहीं दे गया, नहीं दे गया। सो क्या करेंगे, अब जो कार्ड का नंबर है हम वहाँ पे अब मैनुअली उसको लिख लेते हैं। सो लिखने के बाद नीचे जो दी गई नेम ऑफ कार्ड होल्डर, यानी जो आपका कार्ड देखे पहले जो वो नंबर है, नाम है कार्ड के ऊपर, वो डाल लीजिए। डालने के बाद एक्सपायरी डेट ऑफ मंथ हमने कार्ड में लिखा दिया है 3/26 का है, और जो पीछे है सिक्योरिटी कोड यानी CVV, वो पीछे जो नंबर होता है कार्ड का, इसका स्लाइड का होता है उस पीछे 3 डिजिट का, वो डाल लीजिए। सो हम एक एक करके फिल करते हैं, आप लोग कर लीजिए। तो आप देख रहे हैं क्वालिटी फॉर रिजल्ट्स फिरोज के साथ। सो ये वीडियो थोड़ा देर में लाने के लिए माफी चाहते हैं, कुछ मसरूफियात थी, दूसरा हमारा चैनल जो जिक्रा टेक है उसके अंदर, सो इसलिए सॉरी। करने के बाद सीवी नंबर डायल कर देंगे, डायल कर लेते हैं हम। अब उसके बाद कंटिन्यू या फिर ओके में क्लिक करेंगे। सो करने के बाद यानी पे में क्लिक करेंगे, करने के बाद आपको ये ऑप्शन दिखाई देगा। सो रीडायरेक्ट करके आपको अलराजी का बैंक में लेके जाते हैं, और आप देख रहे हैं क्वालिटी फॉर रिजल्ट। चैनल को अच्छा लगे और बुरा लगे तो सपोर्ट जरूर करिए, लाइक करते हुए या फिर डिसलाइक करते हुए, क्योंकि हम लोगों को पता चलेगा। सो आप लाइक और सब्सक्राइब करेंगे तो आपका तो कुछ भी नहीं जाएगा, लेकिन हम लोगों का हौसला बढ़ता है। सो वेरिफिकेशन कोड आपका जो अलराजी का रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे वहां पे चला जाएगा। हम दिखाते हैं अभी ये खोल के, देखिए दोस्तों हमारा अलराजी का जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वो हमारा मोबाइल पे आ गया। सो हम ये OTP नंबर हम वहां पे अभी डायल कर लेंगे। सो चलते हैं डायल करने के लिए, हम खोल लेते हैं आपको। आपको खोलने के बाद यहाँ पे वो जो नंबर आया है वो नंबर यहाँ पे हम लोग डायल कर देंगे। सो दोस्तों डायल करने के बाद सबमिट पे क्लिक करेंगे और दिखाते चले हम जो डेटा रोल ओवर का बात सलाम मोबाइल में हम लोग किए थे। हम लोग ये सोच के किए थे कि ये हम लोग पहले सबमिट कर लेते हैं नंबर, फिर प्रोसेसिंग हो रहा है। ये देखिए दोस्तों, तो कूल इसमें क्लिक कर देंगे, 86.96 SR इसमें क्लिक करेंगे। जब क्लिक कर देंगे तो आपको ये दिखाई देगा, थोड़ा सब्र रखिए, जाएगा कहीं नहीं। कूल में क्लिक करेंगे, ये देखिए दोस्तों आपका रिचार्ज हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। जो पिछले मंथ का था आपका 60 GB आ गया अभी, जो पिछले मंथ का 20 GB का डेटा रोल ओवर था वो इधर ऐड हो गया। सो मैं ये थोड़ा वीडियो को फ्रिज करता हूँ। मैं ये बोलना चाहता हूँ इसके अंदर कि आप अगर ये सोच के सलाम सिम को खरीदे कि हम पहले 74.5 रियाल को यानी 80-85 जो भी लो दुकाला बकान वाला या फिर ऑनलाइन में, सो क्या करेंगे उसको एक्टिवेट करा लेंगे। और एक्टिवेट का तो बहुत कुछ मसला था पहले, अल्हम्दुलिल्लाह हमने सॉल्व किया जजाए खैर के लिए। आप लोग दुआ दिए हैं, आप लोग वॉच किए हैं, देखे हैं अच्छा से इंशाल्लाह जी। बहुत सारा कमेंट आया है, हम लोग पिछले 2 दिन से 1.5 दिन से तकरीबन 30 आवर्स उसका रिप्लाई नहीं दे पाए, उसके लिए भी सॉरी। कुछ मसरूफियात थी, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग उस प्रॉब्लम से सॉल्व हो गए और आपका जवाब भी दे दिए, मिल गए इंशाल्लाह। हम लोग हालांकि बोलते हैं 2 से 3 घंटे के अंदर आपको रिप्लाई दिया जाएगा। सो इंशाल्लाह अजीज, तो ये सोच के लिए थे कि आपको जो 80-85 रियल में सिम मिलता है 1 मंथ के लिए अनलिमिटेड पूरा 40 GB और 20 GB का डेटा रोल ओवर, वो हालांकि डेटा रोल ओवर होगा कब, जब आप सेकंड रिचार्ज करेंगे यानी दूसरे बार रिचार्ज करेंगे। रिचार्ज नहीं करेंगे तो आपको नहीं मिलेगा, हम लोग स्लाइड में दिखाते हैं। ये देखिए, सो आप क्या करेंगे, यहां से हम वीडियो को रीडायरेक्ट करते हैं। सो यहां पे आप क्या करेंगे, जो आपको रिचार्ज हो गया हम अभी चेक करके देखेंगे, जो हमारा 100 रियल का था 86 रियल 86 पॉइंट कितना आया था, उसमें से आपका जो टैक्स दे के 74.5 रियल कट गया। उसके बाद ये देखिए हम लोग अलराजी से भी इंटीग्रेट मोबाइल टेलीकॉम 100 रियल्स का जो मैसेज भी आ गया। सो क्या करेंगे, उनमें से हमारा 12 रियल कितना हलाला है। सो ये देखिए दोस्तों, अब 100 रियल में आपको 86 पॉइंट कितना रियल दिया, उनमें से आपको टैक्स देके तकरीबन 85 रियल 74.5 रियल काट गया। 74.5 रियल के बाद का जो बैलेंस है ये देखिए दोस्तों, 12 रियल 46 हलाला ये मौजूद है। सो ये जो है, ये देखिए दोस्तों अब हम यूज़ करते हैं और काटते हैं इसको कट। सो इंशाल्लाहुल अजीज, आप लोगों का जो अभी सेकंड क्वेश्चन है यानी जो सेकंड टॉपिक है वो उसके उधर जाएंगे। सो आप देख लिए हैं कि हम लोग को जो रिचार्ज है वो सक्सेसफुल हो गया और आप इस तरह से कर सकते हैं। आप बकाला में भी जाते दुकान में भी जाके कर सकते हैं इंशाल्लाहुल अजीज, लेकिन वो तरीका कुछ थोड़ा अलग है, वो मैनुअल है और हम ये ऑनलाइन दिखाए हैं आप लोगों को बेहतरी के लिए। सो वीडियो को यहाँ पे करते हैं बंद और चल जाते हैं दूसरा टॉपिक के बारे में। सो इंशाल्लाहुल अजीज, दूसरा जो टॉपिक है डेटा रोल ओवर का, बीच में तो थोड़ा बोल दिया इंशाल्लाह, लेकिन जो बचता है वो ये है कि लेना चाहिए कि नहीं। कंपेयर, हम लोग शायद 3 या 4 पॉइंट बोले थे,
सो लेना चाहिए कि नहीं। अगर आपका नेटवर्क जबरदस्त मियाँ मियाँ आ रहा है, ठीक है ना दोस्तों, उसके बाद रूम में वाईफाई नहीं है तो फ़ायदा है, मैं बोल सकता हूँ फ़ायदा है इंशाल्लाह, ठीक है ना। आप नेक्स्ट टाइम में आप मान लीजिए बड़ा रियल कितना हलाला है, 46 हलाला, सो वो बैलेंस नेक्स्ट टाइम जब आप रिचार्ज करेंगे, मान लीजिए लाइक दैट फॉर 70 रियल का रिचार्ज करेंगे, तो 70 में से जो आएगा आपका बैलेंस और ये जो 12 रियल ऐड होके 74.5 कट जाएगा, ठीक है ना। सो यहाँ पे कट होगा, इसी तरह चालू करिस ना, इसे साउंड से हमें केटे आवा का रेडी करते हैं, चालू करिस ना, एक तो थामर हो जाए। हाँ यहाँ से स्टार्ट होगा तो वो ऐड होके आपको मिल जाएगा। मैं ये बताता चलूँ, आपका अगर नेटवर्क स्ट्रांग है, ठीक है ना, तो इंशाल्लाह रिचार्ज कराइए। वन इस बात, आप दूसरा जो कंपनी है हम बताते चले, मोबाइल ही है, जेन है, फ्रेंडी है, वर्जिन है, लिब्रा है, याकूत है, और ना जाने कितने सारे हैं इंशाल्लाह, एक रेडबुल भी आ रहा है आप लोगों को मैं बताते चलूँ। तो इंशाल्लाह अजीज लिब्रा के अंदर भी अच्छा खासा ऑफर मिल रहा है इंशाल्लाह, लेकिन मैं बताते चलूँ कि जो STC है उसके अंदर भी अच्छा खासा जो मिस्किन बंदे के लिए है रिचार्ज अच्छा मिलता है इंशाल्लाह। सो ऑफर चेक करने के लिए *888# करके करेंगे तो आपको लिस्ट नज़र आएगा, उनमें से 5 रियल में 1 GB भी मिलता है, 10 रियल में 3 GB मिलता है, 30 रियल में 5 GB मिलता है, साथ में लोकल भी मिलता है। सो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अगर आपका रूम में वाईफाई है, क्योंकि ये वीडियो हमारे परदेसी भाइयों के लिए, अजनबी भाइयों के लिए, हालांकि मेरे बंगाली भी दोस्त बहुत है देख रहे हैं, शायद हमारा लैंग्वेज समझ आता है कि नहीं, मैं माजरा चाहता हूँ कि अगर समझ जाए तो बेहतर, ये नहीं तो कमेंट करिए इंशाल्लाह मैं बता दूंगा। अगर रूम में वाईफाई है और नेटवर्क उतना अच्छा खासा नहीं आ रहा है, सो आपके लिए ये सिम उतना ज़बरदस्त यानी मियाँ मियाँ नहीं होगा। सो उसके लिए आपको जेन अच्छा होगा, STC अच्छा होगा, मोबाइल ही अच्छा होगा। तो मैं ये बताते चलूँ कि इंशाल्लाह हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा, हालांकि हमने डाल दिए हैं जिक्रा टैग पे, आप जाके चेक भी कर सकते हैं, लेकिन हम क्वालिटी फॉर रिजल्ट में एक खास तौर पे बनाएंगे उन कस्टमर के लिए, उन हमारे भाइयों के लिए, उन फॉलोअर्स के लिए, उन सब्सक्राइबर के लिए जो कि हम लोगों को पसंद किए हैं और सब्सक्राइब किए हैं और देखे हैं, उन लोगों के लिए खास तौर पे। सो इंशाल्लाह हम उसमें बताएंगे फुल डिटेल सऊदी का जो सिम है, कौन सा लेना चाहिए, कौन सा जगह में कौन सा चलता है, कौन सा अच्छा ऑफर देता है, कौन सा बेटर चलता है, नेट कैसा चलता है, सो हम फुल बताएंगे। लेकिन हम मैं क्लू देता हूँ कि आप जेन और STC ले सकते हैं अगर नेटवर्क स्ट्रांग है तो। अगर नेटवर्क आपको स्ट्रांग चाहिए तो आप मोबाइल ही भी ले सकते हैं और STC भी ले सकते हैं, लेकिन आपको STC के अंदर आपको अच्छा खासा ऑफर भी मिलेगा इंशाल्लाह, और बीच बीच में फ्री में भी मिलेगा। सो अगर आप नहीं अनलिमिटेड चाहते हैं तो जेन में भी जा सकते हैं, जेन में भी 300 रियल का अनलिमिटेड है, लेकिन हम कमती में बताएंगे इंशाल्लाह। सो बने रहिए हमारे साथ, अब चलते हैं सीधा कमेंट में। कमेंट में उटपटांग सा कमेंट तो रहता ही अलातूल इंशाल्लाह। सो जो हमारा दिमाग में है और जब हम कंप्यूटर में जाएंगे और दिखाएंगे इंशाल्लाह, लाइव कमेंट लेंगे उधर से, सो बताएंगे कि आपका जो प्रॉब्लम है क्या क्या फेसिंग हो रहा है। सो इंशाल्लाह, क्योंकि ये मोबाइल में जो हमारा वीडियो है 3-4 उसमें से एक एक करके खोल के देखना पड़ेगा, लेकिन हम अगर हम कंप्यूटर में जाएंगे तो वहाँ पे पूरा एक साथ में हमको देखेंगे कि आप लोगों का कमेंट क्या है। सो इंशाल्लाह चलते हैं अभी हम लैपटॉप में। सो इंशाल्लाह अजीज, आप ये नहीं सोचिए कि हम लोग खरीद लिए हैं तो दिखा रहे हैं आपको, नहीं, हालांकि हम लोग आईफोन भी लिए थे तो उतना अच्छा खासा नहीं दिखाए, बस जो ज़रूरत का चीज़ था एजुकेशन के बारे में हम बताए थे। सो इंशाल्लाह चलते हैं अभी। एक सवाल है कि भाई ने क्या किया, सिम तो ले लिया, अभी एक्टिवेट नहीं हो रहा है और अफसर भी नहीं है। सो एक्टिवेट सिम करने के लिए अफसर का ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना मेरे भाई, मैं जवाब भी दिया लेकिन फिर भी मैं बताते चलूँ कि अफसर देने के अकाउंट एक्टिवेट करने के लिए सिम को अफसर का ज़रूरत नहीं है। आप बाई थर्ड पार्टी में जाइए, आप क्या करिए, मैनुअल में नेटवर्क को सर्च करिए, अगर सलाम का नेटवर्क फर्स्ट में है तो अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं तो फिर जेन में फर्स्ट में है तो कर लीजिए, नहीं तो जो फर्स्ट में है वो सिलेक्ट कर लीजिए, पहले नेटवर्क आना चाहिए उसके बाद नेट। सो नेट कैसे आना चाहिए, जाएंगे आप नेटवर्क सेटिंग में, एक्सेस पॉइंट में लिखेंगे नेम सलाम और नीचे लिखेंगे इंटरनेट या फिर लिखेंगे वेब स्पेस 2 और सेव कर लेंगे इंशाल्लाह चल लें। सो ये बता रहा है कि मैं एक पहले सिम लिया था, उसका मैंने मान लीजिए पोस्टपेड था, उसका बिल आया तो उसका बिल नहीं भरा और दूसरा जो मतलब सिम लिया वो सिम में अभी उसका नेट नहीं चल रहा, बिल के भरने के बिल नहीं भरा, नेट नहीं चल रहा, हाँ तो उसका कोई मसला अलग है, आप जाइए CITC में और आपका जो सिम है वो बंद करा दीजिए, अगर पैसा दे के बंद करा सकते हैं तो बंद करा दीजिए, फिर चलेगा इंशाल्लाह, इससे कोई मसला नहीं है, आपका अलग मसला है। उसके बाद 3 दिन पहले कितने दिन में सलाम पे पोर्ट हो जाता है, सो इंशाल्लाह जो आप अगर चाहते हैं तो तुरंत हो जाता है, तकरीबन 20 से आधा घंटा इंशाल्लाह होला दीजिए। आप लोग कमेंट करिए, हम उसका भरपूर जवाब देने के लिए कोशिश करेंगे, जवाब अच्छा से अच्छा देने की कोशिश करेंगे, और हमारे साथ बने रहिए नेक्स्ट जो आने वाला है इंशाल्लाह, कंपेयर फॉर ऑल सऊदी अरेबिया सिम सर्विस प्रोवाइडर। सो कंपेयर करेंगे ऑफर के और इंशाल्लाह बताएंगे इंशाल्लाह अजीज। अगर आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, लेकिन आपको तो कुछ भी नहीं जाएगा, लेकिन हम लोग का हौसला बढ़ता है।
सो साथ में ये बताते चलूँ कि इंडिया का जो हालत है और बांग्लादेश का जो हालत है वो उतना अच्छा नहीं है। आप लोग दुआ करिए बांग्लादेशी भाइयों के लिए, बहनों के लिए, कि जो बाढ़ आया है यानी बन्ना, सो उस वक़्त जो का प्रॉब्लम था, अभी का जो प्रॉब्लम है, अल्लाह खैर करे, अल्लाह करीम, हो सके तो उसमें सदका करिए, पैसा भेजिए, इंशाल्लाह बहुत कुछ ऐसा फ़ंड है आप दे सकते हैं इंशाल्लाह अज़ीज। और जो इंडिया का हालात है, हमारे जो हम सब के जो लास्ट प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीस बी अपन हिम, उसके रिगार्डिंग जो चल रहा है, ये एक ऐसा तरीका हो गया इंडिया के अंदर। हम हालांकि टेक के अंदर, ये टेक्नोलॉजी के अंदर ये बात हम घुसा रहा है, लेकिन आप लोग ये सोचते हैं कि क्यों बोल रहा है, बोलना चाहिए, हम नहीं बोलेंगे, आप नहीं बोलेंगे, वो चुप बैठा है तो कौन बोलेगा, सही कि नहीं। सो मसला ये होगा, हो गया है इंडिया के अंदर, कि एक मसला को छुपाने के लिए दूसरा आता है, दूसरा को छुपाने के लिए तीसरा, तीसरा को मतलब एक को ढकने के लिए हजार मसला पैदा कर रहा है। सो जो आप लोगों का दिमाग है वो खाली जहन भटकाने के लिए कर रहा है और हम लोग उसका जा रहे हैं। सो ऐसे काम बात ना करिए जिससे बाद में परेशानी आ सकते हैं, हम पहले भी बोलते हैं। सो अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिए, और अच्छा लगे तो दूसरों तक पहुँचाइए, शेयर करिए, अगर बुरा लगे तो डिसलाइक करिए, क्योंकि हम लोग को पता चलेगा। सो अभी तक के लिए, आज के लिए इतना ही, दुआओं में याद रखिए, हयात बाकी तो मुलाकात बाकी, जज़ाकअल्लाह खैर, अल्लाह तआला फ़ी, जय हिंद, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।